अस्सलाम वालेकुम जूली। वालेकुम अस्सलाम। ये मुझे ना किसी ने कमिट्स किया था और मैं सरगोधा से स्पेशल तुम्हारे पास इसका जवाब लेने के लिए, मैंने कहा तुमसे इसका जवाब दिलवाऊंगा। ये मुझे किसी ने कहा अबू हुरैरा आपने खुद भी बिल नहीं पढ़ा और मासूम ट्रांसजेंडर को गुमराह कर रहे हो, तो मैंने कहा ये जूली से ही बताएगी, जरा बताओ। हाँ देखें, जो ख्वाजा सरा एक्ट पास किया गया था 2018 में ख्वाजा सराओं के लिए, उसके अंदर एक शिक डाली गई थी, जो शिक ये कहती थी कि आप अपने मुँह से अपने आप को जो भी कहें या समझें आपको वो तस्लीम किया जाए और वो हकूक दिए जाए। अब आप सब लोगों को पता है कि मैं अपने आप को आप कह दूं कि मैं परिंदा हूं, मुझे परिंदा तस्लीम करें, तो क्या आप मुझे हकूक देंगे परिंदों के? तो ये पॉसिबल नहीं है। तो तीसरा जो क्लॉज था ट्रांसजेंडर एक्ट का, वो काबिल एतराज़ था, उसके ऊपर एतराज़ था। और जो एक्स शनाख्त दी जा रही थी, आप ये देखें कि भी मर्द और औरत की शनाख्त निकाल के आप एक एक्स शनाख्त दे रहे हैं, और एक्स अलजबरा में एक अननोन वैल्यू को कहते हैं, एक्स पॉन इंडस्ट्री में एक वर्गैलिटी का साइन है, तो आप वो हमारी जिंस तशखीस कर रहे थे। और जब हमें एक्स शनाख्ती कार्ड दिया जा रहा था, तो उसमें जो शरीयत थी इस्लाम की उसको बदला जा रहा था, विरासत के कानून को बदल दिया, राइट टू फैमिली और राइट टू मैरिज बीच में से निकाल दिया, और ये वो सारी चीज़ें थी जो काबिल एतराज़ थी और जिनके ऊपर एतराज़ किया गया था। और हम लोगों ने अदालत से रुजू किया कि हम लोगों को हमारी वो शनाख्त दी जाए जो हमारी है, हमें हकूक सारे वही मिलेंगे जो हम चाहते हैं हुकूमत से, ताकि हम इस शरीयत को भी वैसी फॉलो कर सकें जो हमारे बतौर मुसलमान हम फॉलो कर रहे हैं, और उसके साथ साथ हम अपनी हुकूमत से हकूक भी ले सकें। हाँ, मेरा ख्याल आपका जवाब मिल गया होगा। मजीद ऐसा कमिट्स करोगे तो और भी अगला वर्जन जवाब में आएगा। एक और चीज़ यहाँ ऐड करूँ कि मासूम ख्वाजा सराओं को तो तब गुमराह किया गया जब उनके एक्स शनाख्ती कार्ड बनवाए गए, उनको बगैर कोई इन्फॉर्मेशन दिए, बगैर उनको कोई तफसील बताए, बगैर उनको कोई डिटेल बताए, तो गुमराह तब किया गया था। हम लोग बिल्कुल अब गुमराह नहीं कर रहे, और हम बिल्कुल एक फैक्ट आपको बता रहे हैं, ये फैक्ट है, और ये फैक्ट ऑनलाइन आपको मिल भी जाएगा, अदालत की जो जजमेंट है वो भी आप पढ़ सकते हैं। हाँ, अब आपने जजमेंट पढ़ के वो बतानी है कि वो जजमेंट कौन सी है जिसके ऊपर इतराज़ किया जूली ने, फिर हम सोचेंगे। और आपने वीडियो बाय फेस बनानी है और कानून हाथ में पकड़ना है और बताना है कि किस किस शिक के ऊपर हुकूमत ने, कोर्ट ने किस किस शिक के ऊपर जो है वो रिजेक्शन और ऑब्जेक्शन लगाई गई है, किस चीज़ को रिजेक्ट किया गया और ऑब्जेक्शन जो है वो किस चीज़ के ऊपर उठाया गया, अब ये आपने बताना है जी। और ये लड़ाई हकूक की नहीं थी, शनाख्त की थी, हमें शनाख्त गलत दी जा रही थी, हकूक का मसला नहीं था। और आप किसी को शनाख्त गलत देंगे तो हकूक कैसे सही देंगे? अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। आज मैं आपको अपने बहुत प्यारे दोस्त से मिलवाऊंगा जो मेरे पास आए हैं अपना सरगोधा में, उससे मिलने के लिए। अल्लाह पाक इन्हें बहुत खुश रखें। और ये है तबलीग। तबलीग क्या है? बहुत सारे लोग कह रहे होते हैं ना, और अजीब गरीब मैसेज कर रहे होते हैं, तो चले मैं आपको माशाल्लाह दिखाता हूँ। ये है बिफोर, अब की उनकी बिफोर भी मैं आपको दिखाता हूँ, साथ में अटैच कर देता हूँ। आरजू मलिक, आरजू जी सुनाए क्या हाल चाल है? ठीक है, कैसा महसूस हो रहा है जिंदगी में? अच्छी जिंदगी गुजर रही है माशाल्लाह, अल्लाह का बहुत एहसान है, अल्लाह का बहुत करम है माशाल्लाह, बहुत अच्छी जिंदगी गुजर रही है।